हेलो एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं बल्क में पीपीआर। पर उससे पहले हम शुरू करते हैं एक रिक्वेस्ट से जो कि एप्लीकेंट को आया है IRCC की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अपना USA का रिफ्यूज़ल शो नहीं करा था जब वीज़ा उन्होंने फाइल कराया है। तो इसके कारण IRCC ने उन्हें 15 डेज का टाइम दिया हुआ है और उनको पूरा अपना एक्सप्लेन करने बताया है कि उन्होंने शो क्यों नहीं कराया USA का रिफ्यूज़ल। तो ये आप हमेशा याद रखें कि कोई भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो या वीज़ा हो आपके पास, वो मैंडेटरी है शो करना, खासकर USA का, क्योंकि उनका टाई अप होता है एक दूसरे के साथ। और ये आप जो भी PPR देख रहे हैं ये सब अभी 16th और 17th दिसंबर के लॉन्च का है। कुछ कुछ फाइल्स जो हैं 26th और 27th दिसंबर के भी खुले हुए हैं जो कि हमें देखने के लिए मिल रहे हैं उनके भी PPR, पर मोस्ट ऑफ द PPR जो हमारा आ रहा है वो 17th और 16th ऑफ दिसंबर का है। तो अभी थोड़ा डिले हो रखा है प्रोसेस में, पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ 15-20 दिन में ये सारा सही हो जाएगा, क्योंकि अभी अब जो भी फाइल लॉन्च होने वाला है वो बहुत ही कम नंबर में लॉन्च होंगे, क्योंकि अभी बस वही स्टूडेंट्स लॉन्च कर सकते हैं फाइल जो कि अभी मास्टर्स, PhD और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि उनको अटेस्टेशन लेटर का ज़रूरत नहीं होगा और बाकी सारे स्टूडेंट को अटेस्टेशन लेटर की ज़रूरत होगी, जिस वजह से वो अभी फाइल लॉन्च नहीं कर सकते हैं। और मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा जो भी अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं फ्यूचर में फाइल लगाने की सोच रहे हैं, वो अपने प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, अपना प्रोफाइल वो स्ट्रॉन्ग कर लें, अपना SOP बहुत अच्छे से वो बनाएं। नेटवर्थ सर्टिफिकेट दिखाने के बावजूद उनको लिक्विड फंड शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी आप अपने साथ अटैच कर दें। जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि एक बार रिफ्यूज़ल आ जाएगा तो आपको फिर से परेशानी होगी, फिर से फाइल लॉन्च करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है एक बार में ही आप जितना ज़्यादा आप प्रोवाइड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन उतना अच्छा आपके लिए, आपका फाइल उतना स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ज़्यादा चांसेस होगा आने की, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल भी देखने को मिलेगा फ्यूचर में। और अभी हम आगे आने वाले वीडियो में बात करने वाले उन कॉलेजेस के बारे में भी जिन कॉलेजेस को अब पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।